वहीं पालमपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपने वार्ड सुखदर में अपने मत का इस्तेमाल किया। शांता कुमार ने अपना वोट डालने के वार्ड वासियों को मतदान करने की भी अपील की। मुझे ऐसा लग रहा है पालमपुर के लोग ठीक फैसला करेंगे, क्योंकि पालमपुर भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान रखता है। मैं आपको बताऊं कि अभी होली सकाई, ये धौलाधार का जो सौंदर्य है ये विश्व में अपने प्रकार का है, क्योंकि 3,000 फुट की ऊंचाई पर ये पालमपुर की वादी और बिल्कुल सीधे 14,000 फुट ऊंचा पहाड़ दुनिया में रेयर है। तो नई सरकार जो मेरा सपना है रोप वे पूरा करने का, उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। जिस दिन पालमपुर का रोप वे बना, पालमपुर भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाएगा। और मैंने पालमपुर की जनता से अपील की, मुझे विश्वास है पालमपुर की जनता ठीक फैसला करेगी। मैं शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से चुनाव करने के लिए सभी को बहुत बधाई देता हूँ। वही हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेशवासियों से मतदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज नगर निगम मंडी, सोलन, पालमपुर और धर्मशाला के लिए मतदान है। आप सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने घरों से बाहर निकलें और अपना बहुमूल्य वोट करें। ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने ट्वीट करते हुए सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि घर से बाहर निकलें और अपना बहुमूल्य वोट करें। जिस तरीके से 4 नगर निगमों पर चुनाव हैं और उसको लेकर आज मतदान